नेक्स्ट जो हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर नंबर है 4, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जब हमने पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ा था, तो पॉलिनोमियल चैप्टर में हमने कुछ टाइप देखे थे पॉलिनोमियल के, ठीक है। पॉलिनोमियल के टाइप में एक टाइप था आपके पास लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल आप नाम कब रखते थे, जब वहाँ पर किसी भी वेरिएबल की पावर कितनी होती है, 1। अगर वेरिएबल की पावर 1 है, या मैं कहूँ उस पॉलिनोमियल की डिग्री अगर 1 है, तब हम कहेंगे कि वो पॉलिनोमियल कैसा है, लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल, ये आपके सामने एक पॉलिनोमियल लिखा हुआ है और इसकी डिग्री कितनी है, 1, तो ये कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल। ओके, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ x+2, अब ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो आंसर ये अभी भी क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल, क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। अच्छा, तो इनका नाम था लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक। अगर इन लीनियर पॉलिनोमियल जो मैंने आपके सामने लिखे हैं, इनके अगर मैं इक्वल्स टू में 0 लगा दूं, क्या लगा दूं, 0, तो अब ये लीनियर पॉलिनोमियल नहीं रहे, अब ये क्या बन गए, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है ना। जैसे x इक्वल्स टू 0 एंड x+2 इक्वल्स टू 0, ये दोनों लिखे हुए हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लेकिन ये दोनों क्या लिखे हुए हैं, लीनियर इक्वेशंस, ठीक। इतनी बात आती है आपको समझ में। अब इसके बाद ये जो लीनियर इक्वेशन लिखी हुई हैं, ये लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल में लिखी हुई हैं। इस इक्वेशन में भी एक वेरिएबल को यूज किया है और इसमें भी 1 वेरिएबल को यूज किया है, ठीक। अब इसके बाद मैंने ऐसे लिखा x+y+3, अब ये कैसी इक्वेशन है, आंसर है ये लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इन 2 वेरिएबल, इसमें 2 वेरिएबल यूज किए गए और सबकी पावर 1 है ना, तो हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन तो है लेकिन इन 2 वेरिएबल। यही इस चैप्टर का नाम है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, तो इसका मतलब ये कि ऐसी इक्वेशन, ठीक है, जिसमें 2 वेरिएबल यूज किया जाए और उसकी डिग्री कितनी हो, 1, या मैं कहूँ ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, उसको इक्वेशन में कन्वर्ट कर देंगे तो वो बन जाएगा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। और अगर मैं यहाँ पर सपोज करिए 2x+y+3 लिखता, तब ये क्या होता, तब भी ये लीनियर इक्वेशन होता, और कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में। अगर मैं यहाँ पर 5 लिख देता, तब भी ये लीनियर इक्वेशन होता और 2 वेरिएबल में। इसका मतलब ये है कि कोई भी लीनियर इक्वेशन ऐसी हो सकती है, जनरल फॉर्म ax+by+c=0, ये दिस इज द जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। देखिए वेरिएबल कितने यूज किए गए, 2, और ये जो कांस्टेंट टर्म आप लिखते हो a b c, देखो 2 5 3, ये कांस्टेंट टर्म जो यूज करते हो वो क्या है, a b and c। तो ये है जनरल फॉर्म ऑफ अ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और ए बी और सी ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, और एक्स और वाई वहां पर क्या हैं, वेरिएबल्स। इतनी बात आ गई समझ में, ठीक। इसी के बेसिस पर कुछ आपको मैं क्वेश्चंस दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल देखिए, ध्यान दीजिए, कहीं पर ऐसा लिखा हुआ है 2x+5=0, है ना, इस तरह से लिखा हुआ है। वो आपसे पूछता है कि इसको जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, और फिर वहाँ से ए बी और सी की वैल्यू बताइए, ए बी एंड सी की वैल्यू। देखिए कैसे निकालेंगे, ये इक्वेशन लिखी हुई है, इस इक्वेशन में सबसे पहले, या फिर अभी थोड़ा सा और इजी वाला इक्वेशन लेता हूँ, 3y+5=0, ये मैंने पहले कोई एक इक्वेशन ली, ठीक। इसको देखिए, सबसे पहले इसको कंपेयर कराइए किससे, ax+by+c=, किससे, सबसे पहले कंपेयर कराना है आपको, ठीक है। ओके, कंपेयर कराने के बाद a किसके इक्वल आया, 2 के, कंपेयर कराओ, b की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 3, और c की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 5, ठीक। तो सबसे पहले क्या कराना है, क्वेश्चन आएगा तो कंपेयर कराना है, कंपेयर कराने के बाद, या मैं कहूँ सबसे पहले तो उसे फॉर्म में लेकर आना है, लेकिन ये क्वेश्चन पहले से फॉर्म में दिया हुआ था, ठीक।
अगर फॉर्म में है तो कंपेयर कराना है, और कंपेयर कराने के बाद वहाँ से ए बी और सी की वैल्यू निकाली जा सकती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज करिए आपके पास क्वेश्चन आया वाई माइनस टू एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो, ये भी एक लीनियर इक्वेशन है टू वेरिएबल में, लेकिन ये अभी फॉर्म में नहीं है। जनरल फॉर्म जो होती है, जनरल फॉर्म में एक्स वाला टर्म कहाँ आता है, आगे, उसके बाद किसका टर्म आता है, वाई का, उसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म। ठीक, तो हम यहाँ पर यही करेंगे, पहले इसको फॉर्म में लेकर आएंगे। तो इसके लिए पहले एक्स वाला टर्म सबसे पहले लिखा जाएगा, इसके बाद वाई वाला टर्म, इसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म। अब ये कौन सी फॉर्म में आ गई, तो आंसर है ये जनरल फॉर्म में आ गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, फॉर्म बन गया। अब फॉर्म बनने के बाद अब हमें ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, तो ए की वैल्यू बताइए कितनी है यहाँ पर, माइनस टू, ए की वैल्यू माइनस टू। बी की वैल्यू कितनी है, देखिए यहाँ पर वाई की जगह तो वाई है, अगर यहाँ कुछ नहीं लिखा है मतलब क्या लिखा हुआ है, वन लिखा हुआ है ना, तो बी की वैल्यू क्या, वन, ठीक है, और सी की वैल्यू कितनी, थ्री, ये इस तरह से। अगर यहाँ माइनस का थ्री होता तब सी की वैल्यू कितनी आती, माइनस थ्री लेकर चलते फिर, ठीक है। इस तरह का क्वेश्चन आपके सामने आएगा, तो मैं आपको करके दिखाता हूँ कि एक्सरसाइज 4.1 में इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं। एक्सरसाइज है 4.1, पहले तो आपको क्वेश्चन नंबर वन दिखाता हूँ। क्वेश्चन नंबर वन में क्या पूछा है, देखिए ध्यान दीजिए, द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन। दो चीज़ों के बारे में बात हो रही है, एक तो पेन की बात हो रही है और एक नोटबुक की बात हो रही है। तो पहले तो मैंने मान लिया लेट द कॉस्ट, कॉस्ट किसकी, नोटबुक की, कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी, हमने मान लिया कि रुपीज एक्स रहा होगा, ठीक है, कॉस्ट ऑफ नोटबुक, ओके। फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ पेन, कॉस्ट ऑफ पेन हमने कितना माना, रुपीज वाई, कितना माना, वाई, ठीक। अब उसने क्वेश्चन में ये कहा है, अब आप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा कॉस्ट ऑफ नोटबुक, कॉस्ट ऑफ नोटबुक कितनी है, एक्स, वो कह रहा है इक्वल है किसके, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ठीक है, ये बात आ गई समझ में। वो कह रहा है कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ट्वाइस द कॉस्ट ऑफ पेन, ये हमारे पास आ गया, ठीक। अब इसको जनरल फॉर्म में लेकर आइए, जनरल फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे, इक्वेशन तो बन गई, जनरल फॉर्म में कैसे लेकर आएंगे, सबसे पहले कौन सा टर्म होता है, इसके बाद इसको इधर लेकर आ जाइए, माइनस का टू वाई, वाई वाला टर्म होता है, इसके बाद कॉन्स्टेंट होता है, लेकिन कॉन्स्टेंट क्वेश्चन में है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इक्वल्स टू क्या लिख देंगे, जीरो। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन के आएगी, ये लीनियर इक्वेशन फॉर्म होगी, एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू जीरो, ये बात आ गई समझ में, ठीक। अब इसके बाद जो मैं आपसे अभी डिस्कस कर रहा था क्वेश्चन नंबर टू, उसमें कुछ इक्वेशन गिवन है, वहां से ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है। देखिए क्वेश्चन नंबर टू का पार्ट वन, 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 9.35 बार, ठीक है, कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो एंड इंडिकेट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। तो सबसे पहले तो जनरल फॉर्म में लेकर आना है, फॉर्म में लाने का तरीका क्या है, सबसे पहले x वाला टर्म, इसके बाद y वाला टर्म, और इसके बाद कॉन्स्टेंट टर्म। तो कॉन्स्टेंट टर्म इधर लेकर आ जाइए, माइनस में आ जाएगा 9.35 बार, और इक्वल टू क्या बचा, जीरो आ गया, वो इधर आ गया, तो ठीक। अब ये जनरल फॉर्म आ गई, कौन सी वाली फॉर्म आ गई, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो, ये जनरल फॉर्म बन गई। अच्छा अब इसके बाद कंपेयर कराइए, एक्स की जगह तो एक्स है, इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है, टू, बी की जगह क्या है, और सी की वैल्यू है माइनस का 9.35, ये इस तरह से ए बी सी निकालने हैं, ठीक। इसके बाद एक और एग्जांपल देखो, देखो सेकंड, एक्स माइनस वाई अपॉन फाइव माइनस टेन इक्वल्स टू जीरो, जनरल फॉर्म में लाना होता है सबसे पहले,
लेकिन ये क्वेश्चन पहले से कैसा है, जनरल फॉर्म में है, एक्स पहले है उसके बाद वाई है उसके बाद कॉन्स्टेंट है, ठीक। तो ये हमें पहले से दिया हुआ है किस फॉर्म में, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू जीरो। अगर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या लिख सकते हैं, और यहाँ पर भी क्या लिख सकते हैं, तो देखो ए की वैल्यू क्या और बी की वैल्यू माइनस माइनस वन अपॉन वाई की जगह तो वाई है, और क्या बच गया आगे माइनस का वन अपॉन फाइव, और सी की वैल्यू कितनी माइनस का टेन, सी माइनस टेन आ गया। ये वाला स्टेप समझ में आया कैसे किया था, वाई की जगह वाई और आगे क्या लिखा हुआ है यहां पर माइनस का वन अपॉन फाइव वो लिखा गया है, ठीक है। अच्छा अब इसके बाद एक और एग्जांपल देखिए, थर्ड, माइनस टू एक्स प्लस थ्री वाई इक्वल्स टू सिक्स। सबसे पहला काम क्या करना है, जनरल फॉर्म में लेकर आना है ना, लीनियर इक्वेशन की जनरल फॉर्म में। तो देखिए सबसे पहला स्टेप क्या होता है, एक्स होना चाहिए, उसके बाद कॉन्स्टेंट को इधर लेकर आ जाओ, उधर जीरो बच गया, ठीक। अब ये कौन सी फॉर्म में आ गया, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू, इस फॉर्म में आ गया ये, ओके। अब यहाँ पर कंपेयर कराइए, ए की जगह क्या है माइनस टू, बी की जगह थ्री, बी की जगह थ्री है, और सी की जगह माइनस सिक्स। इस तरह से अब आप बड़े आसानी से इनको कर सकते हो। इसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए, एक्स इक्वल्स टू थ्री वाई गिवन है, ठीक। सबसे पहले फॉर्म में लेकर आते हैं, फॉर्म क्या कैसे बनाएंगे, एक्स का नंबर पहला चाहिए, उसके बाद वाई वाला चाहिए, तो ये इधर लेकर आ जाओ, ठीक है। कॉन्स्टेंट है नहीं तो इक्वल्स टू में क्या बच गया, ये आ गया, ठीक। अब इसकी जनरल फॉर्म बन गई है, अगर जनरल फॉर्म आप चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि यहाँ पर कॉन्स्टेंट नहीं था तो आप अपनी तरफ से क्या लिख सकते हो, समझ रहे हो, जैसे आपने एक्स लिख लिया, ये इधर आया तो माइनस का थ्री वाई हो गया, अब कॉन्स्टेंट है नहीं कहीं पर दिख रहा तो आप अपनी तरफ से क्या लिख सकते हो, और फिर इक्वल्स टू ऐसा। अगर आप नहीं करना चाहते हो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर वैसे भी किया जा सकता है इसको। देखो ए एक्स प्लस वी वाई प्लस सी इक्वल्स टू, तो अब कंपेयर कराओ, तो ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू माइनस थ्री, किसी बच्चे ने यहां पर जीरो नहीं लिखा होता सपोज करो, ठीक, तब सी यहां पर क्या है, तो आंसर है ही नहीं, ए की वैल्यू बी की वैल्यू और सी की वैल्यू क्या है, तो आंसर है ही नहीं, वहां पर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब सी की वैल्यू क्या, ये बात आई समझ में, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट एक और देखिए, फिफ्थ, टू एक्स इक्वल्स टू माइनस का फाइव बाई। सबसे पहले फॉर्म में लेकर आएंगे, उसके बाद ए बी सी डिसाइड करेंगे। टू एक्स, ये सबसे पहले एक्स वाला टर्म हो गया, इसके बाद वाई वाला टर्म लाने के लिए प्लस का और इक्वल्स टू में, कौन सी फॉर्म बन चुकी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल्स टू, ठीक है, कराओ कंपेयर, ए की वैल्यू कितनी 2, बी की वैल्यू कितनी 5 और सी, सी वहां पर है ही नहीं तो सी की वैल्यू 0 हो गई। इस तरह से इस फिफ्थ पार्ट को आप कर सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं, सिक्स्थ पार्ट, सिक्स्थ पार्ट देखिए, सिक्स्थ पार्ट है 3x प्लस 2 इक्वल्स टू ऐसा है ना। तो देखो कैसे करेंगे इसको, सबसे पहला काम है फॉर्म में लेकर आना, फॉर्म में देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं, x वाला टर्म, इसके बाद y वाला टर्म, इसके बाद क्या लिखते हैं, y वाला टर्म है क्या यहाँ पर, अगर नहीं है तो आप अपनी तरफ से 0y लिख सकते हैं, 0y, ठीक है, और प्लस में क्या चल रहा है, इक्वल्स टू, ये बात आ गई समझ में। अब ये कौन सी फॉर्म बन गई, ए एक्स प्लस, ये फॉर्म बन गई। अब यहां से ए की वैल्यू कितनी 3 और बी की वैल्यू 0, अगर किसी बच्चे ने ये नहीं लिखा होता तो अगर बी की वैल्यू बताओ कितनी है, 0 है ना, वाई वहां पर है ही नहीं तो इसका मतलब बी की वैल्यू 0 और सी कितना, ये आ जाएगा, ये समझ आया,
जो वो है सॉल्यूशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन। नेक्स्ट जो आपकी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 4.2, वो किस पर बेस्ड है? सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशन। हम लीनियर इक्वेशन पढ़ रहे हैं इन टू वेरिएबल में, तो मैं आपके सामने बोर्ड पर एक लीनियर इक्वेशन लिख रहा हूँ जो कि टू वेरिएबल में होगी। करो, आपके सामने एक इक्वेशन लिखी हुई है कुछ इस तरह से, 2x प्लस y इक्वल्स टू, ऐसी कोई इक्वेशन लिखी हुई है ना। अब यहाँ पर x और y ये दोनों वेरिएबल हैं, इन दोनों वेरिएबल की मैं कुछ एक वैल्यू यहाँ पर पुट करूँ, और वैल्यू पुट करने पर आंसर क्या आना चाहिए? 3। ठीक, मैंने कुछ अपनी तरफ से रैंडम कुछ वैल्यू आपको रख के दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने x की वैल्यू 1 रखी और y की वैल्यू 1 रखा। ठीक, इसको सॉल्व किया, 2 × 1 2 + 1, आंसर कितना आया? इक्वल्स टू में क्या चल रहा था? तो x की वैल्यू वह रखी गई 1, और y की वैल्यू भी क्या रखी गई है ना, x और y दोनों 1 1 रखे गए। और x और y दोनों 1 और 1 रखने पर हमने देखा कि जो लेफ्ट हैंड साइड है इक्वेशन की और राइट हैंड साइड है, वो दोनों आपस में कैसी आई? इक्वल। तो हम ये कहेंगे कि ये जो आपके सामने ब्रैकेट में जो मैंने ये लो लिखा हुआ है, ये इस इक्वेशन का क्या है? एक सॉल्यूशन। क्या है? एक सॉल्यूशन। ठीक, ये हो गई एक बात। अच्छा, अब फिर से मैंने किसी स्टूडेंट को सेम इक्वेशन लिख के दे दी कि बताइए इसका एक सॉल्यूशन, बताइए क्या होना चाहिए। तो उसने क्या किया, यहाँ पर अपनी तरफ से कुछ एक वैल्यू पुट की। सपोज करिए उसने रखा यहाँ पर 1/2, और y की वैल्यू उसने रख दी 2। ठीक है, और इक्वेशन में क्या चल रहा था? अब इसे सॉल्व किया उसने, 1 + 2, इधर देखिए सॉल्व करिए 3। फिर से क्या आया? फिर से आंसर एक मिला हमें। ठीक, कब आंसर मिला? जब x की वैल्यू हमने क्या रखी? 1/2, और y की वैल्यू क्या रखी? तो इसका मतलब इसी इक्वेशन का, सेम इक्वेशन का ये भी क्या है? एक सॉल्यूशन। ठीक, फिर से हमने ट्राई करके देखा, चलिए एक काम करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं कि कोई और सॉल्यूशन बन सकता है या नहीं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर सपोज करिए x की वैल्यू रखी कितनी? -1, और यहाँ पर हमने y की वैल्यू रख दी 5, है ना। तो -2 + 5, फिर से आंसर क्या आ गया? 3। और ये आंसर इक्वल कब आया था? जब x की वैल्यू रखी गई -1, और y की वैल्यू क्या रखी गई? अगर हम बार बार इतनी बहुत सारी प्रैक्टिस की करते रहें तो हमें बहुत सारे सॉल्यूशन मिलते ही चले जाएंगे, कभी भी उनका एंड नहीं होगा। ठीक, इससे हमने एक रिजल्ट निकाला कि जो भी लीनियर इक्वेशन होती हैं टू वेरिएबल में, उनके पास कितने सॉल्यूशन होते हैं? तो आंसर है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हुआ करते हैं। ये बात आ गई आपको समझ में? ठीक, तो फिर से किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के लिए सॉल्यूशन किसे कहते हैं? सॉल्यूशन। तो आंसर है सॉल्यूशन वो वैल्यू होती हैं x और y की जो उस इक्वेशन में पुट करने पर उस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती हैं। सेटिस्फाइड का मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल होती हैं। समझ में आ गई बात? फिर से, कभी भी आपको मैथमेटिक्स में, फिजिक्स में कभी भी ये टर्म यूज किया जाए कि ये वैल्यू इस इक्वेशन को क्या कर रही है? सेटिस्फाइड। इस बात का मतलब ये वैल्यू उस इक्वेशन का क्या है? एक सॉल्यूशन। ये बात आ गई समझ में? ठीक, इसी के बेसिस पर आप एक्सरसाइज है 4.2, उसके मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिखाता हूँ, देखिए ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 4.2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई? वाई इक्वल्स टू, एक इक्वेशन गिवन है 3x + 5। ठीक है, इस इक्वेशन के वो पूछ रहा है कितने सॉल्यूशन होंगे, यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो हमने क्या किया, ऐसा किया, इसमें हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं किसकी वैल्यू पुट करके? x की वैल्यू पुट करके। ठीक है, तो हमने क्या किया, x की वैल्यू पहले पुट की, सपोज करिए कितनी? 0 पुट किया, तो 3 × 0 + 5, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आई? 5। तो हमें एक सॉल्यूशन मिला, क्या?
एक्स की वैल्यू 0 रखने पर वाई की वैल्यू कितनी? फिर से हमने कुछ और रख कर देखा, हमने एक्स की वैल्यू रख के देखी 1, ठीक। अच्छा 3 इंटू 1 और प्लस 5, आंसर कितना आया? 8। तो एक्स की वैल्यू जब हम 1 रखते हैं तो वाई की वैल्यू कितनी आती है? 8 आती है, ठीक। हमने और रख के देखा कि चलिए एक्स की वैल्यू 2 रख के देख लेते हैं, तो 3 इंटू 2 प्लस 5 कितना? 11। तो फिर से हमने देखा कि अगर x की वैल्यू 2 रखी जाए तो y का आंसर कितना आता है? 11। ये सब क्या हैं? इस गिवन इक्वेशन के सॉल्यूशन। इस बात का मतलब क्या है मैं आपको फिर से समझाता हूँ। देखिए मेरे पास है y इक्वल्स टू 3x प्लस 5, ऐसा लिखा हुआ है बच्चों, ठीक है। आप इधर ध्यान दो, 3x ऐसे ही, ठीक है। ये y इधर आएगा तो कैसा हो जाएगा? माइनस का, ठीक है। इक्वल की जगह इक्वल लिखा हुआ है, देखो 3x ये लिखा हुआ है, y इधर लिखा हुआ है, और ये 5 इधर आएगा तो बताइए कैसा हो जाएगा। अब मैंने आपसे ये कहा था कि ये जो ब्रैकेट हैं ये इस इक्वेशन के क्या हैं? सॉल्यूशन। तो मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, जैसे मैंने आपको अभी समझाया था कि ये सॉल्यूशन है या नहीं है। देखिए एक्स की वैल्यू हम यहाँ पर रख देते हैं कितनी? 0, ठीक है। और वाई की वैल्यू हम लोग लिख लेते हैं कितनी, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, देखो 0 और ये कितना बचा है यहाँ पर? -5। देखो इधर भी -5 चाहिए था, है ना। इसका मतलब ये इस इक्वेशन का क्या है? एक सॉल्यूशन, ठीक। और दूसरा रख के देख लो, ऐसे ही 3 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी? 1 माइनस वाई की वैल्यू, ठीक। सॉल्व करोगे तो कितना आंसर आएगा? आया ना इक्वल। तो ये क्या है? सॉल्यूशन। इसी तरह से और रख के देख लो, एक्स की वैल्यू देखो कितनी? 2। और वाई की वैल्यू कितनी? 11। सॉल्व करिए कितना आएगा? 6 माइनस 11 कितना? -5। तो आप देख रहे हैं कि हर बार आंसर -5 आ रहा है, मतलब दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब ये जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं वो इस गिवन इक्वेशन का सॉल्यूशन है। और ऐसे कितने लिखे जा सकते हैं? तो आंसर है इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन लिखे जा सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। अगर आप चाहें तो इसके 2 या 3 एग्जाम्पल लिख सकते हैं। यूनिक सॉल्यूशन के लिए तो ये हो गया, एक आपने दे दिया। जैसे आप सेकंड देंगे तो यूनिक सॉल्यूशन वाला पार्ट गलत हो गया सेकंड सॉल्यूशन देते ही, ठीक है। जैसे ही आप थर्ड सॉल्यूशन देते हैं तो जो उसने कहा है 2 सॉल्यूशन, वो वाला पार्ट भी गलत हो गया। इससे एक सॉल्यूशन होगा? नहीं। 2 सॉल्यूशन होंगे? नहीं। जैसे आप 3 दे देंगे ना तो वो दोनों पार्ट गलत हो जाएंगे, तो कौन सा वाला पार्ट सही रह जाएगा? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, समझ गए। इस क्वेश्चन नंबर 2, राइट 4 सॉल्यूशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। नंबर 1, 2x प्लस y इक्वल्स टू 7। ये आपके सामने एक इक्वेशन गिवन है और इस इक्वेशन के आपको 4 सॉल्यूशन लिखने हैं। सॉल्यूशन लिखने का तरीका ये है कि आप किसी भी एक वेरिएबल की वैल्यू पुट करते जाएं और दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर लें, ठीक। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे लिख लेते हैं, y इक्वल्स टू 7। तो देखो y की जगह y लिखा है, इक्वल की जगह इक्वल, 7 की जगह 7। ये 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वेशन में हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करते जाएंगे और किसकी वैल्यू आती जाएंगी? y की वैल्यू। तो हम अपनी तरफ से छोटी वैल्यू भी पुट करके चलते हैं, x की वैल्यू पहले 0 पुट कर लेते हैं। तो देखो 7 माइनस 2 इंटू 0, सॉल्व करो कितना आंसर आएगा? 7, ठीक। तो एक सॉल्यूशन आ गया हमारे पास। क्या सॉल्यूशन आया? कि हमने जब x की वैल्यू 0 पुट की तो y का आंसर कितना आया? 7, ठीक। इसी तरह से हम x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं, तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 1, सॉल्व करिए कितना आंसर आया? 5, सॉरी कितना? 5। तो क्या हमें मिला आंसर? x की वैल्यू हमने 1 रखी तो y का आंसर कितना? 5। इसी तरह से हम x की वैल्यू और भी पुट कर सकते हैं 2, तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 2, आंसर कितना आया? 3, है ना। 7 माइनस 4 इज 3। सो नेक्स्ट जो हमारे पास सॉल्यूशन आया, x की वैल्यू 2 पुट करने पर y का आंसर कितना? 3 आ जाएगा, ठीक। अच्छा एक और निकालना है, तो x की वैल्यू कितनी पुट कर दें? 3। तो 3 पुट करिए यहाँ पर, तो y इक्वल्स टू 7 माइनस 2 इंटू 3,
तो आंसर कितना आएगा? 1। तो इसका मतलब x की वैल्यू 3 पुट करने पर y का आंसर 1 आता है। ये ठीक, ये इसके क्या निकल गए? 4 सॉल्यूशन। इन सॉल्यूशन को आप टेबल में भी बना सकते हैं, इस तरह से भी दे सकते हैं इनके आंसर। 1, 2, 3, 4। ठीक है, देखिए यहाँ x और यहाँ y, x की वैल्यू हम क्या क्या पुट कर रहे हैं? 1, 2, 3 एंड 4, है ना। अच्छा ओके, जीरो से स्टार्ट किया है तो यहाँ पर जीरो लिख देता हूँ। जीरो, जीरो रखने पर क्या आंसर आया था? 7। ठीक है, 1 रखने पर क्या आंसर आया? 5। 2 रखने पर 3 और 3 रखने पर 1। ये हमारे पास सॉल्यूशन का, जो हमारे 4 सॉल्यूशन है वो इस तरह से लिखे जा सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और इक्वेशन का एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए पाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू कितना? 9। ये आया है ना। अब इस इक्वेशन को देखो सॉल्व करने का तरीका क्या है। वाई इक्वल्स टू 9, ये इधर लेकर जाइए तो माइनस का हो जाएगा। ओके, ये आ गया। अब इसके बाद वन बाय वन वैल्यू पुट करनी है। सपोज करिए हमने एक्स की वैल्यू पुट की कितनी? 0। तो y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 0, तो ये तो 0 हो गया है ना। तो आंसर कितना बचेगा? 9। ठीक, इसके बाद x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें? 1 सपोज करिए हमने पुट किया। y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 1, तो आंसर कितना आएगा? 9 माइनस पाई। आपको यहाँ पर पाई की वैल्यू पुट नहीं करनी है, ठीक है, एक बात। दूसरी बात, जो मैं x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 लेकर चल रहा हूँ, ये कोई फिक्स वैल्यू नहीं है। आपको जो ठीक लगता हो वो वैल्यू पुट कर सकते हो। आपका मन आए तो यहाँ 100 पुट करो, 200 पुट करो, लेकिन मैं छोटी वैल्यू इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि छोटे छोटे आंसर आए। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद x की वैल्यू मैं ले लेता हूँ 2। तो y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 2, तो आंसर कितना आएगा? 9 माइनस 2 पाई। 2 इंटू पाई को क्या लिख देंगे? 2 पाई। ठीक है ना, इसी तरह से एक आंसर और निकाल सकते हैं हम x इक्वल्स टू 3 के लिए। तो y इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 3, तो कितना आंसर आएगा? 9 माइनस 3 पाई, ये आ जाएगा। ठीक, इस तरह से इसके ये 4 सॉल्यूशन हमने निकाल लिए। ठीक है, अच्छा इसके बाद नेक्स्ट एक और इक्वेशन हमें गिवन है, वो है x इक्वल्स टू 4y 3। x इक्वल्स टू 4y, इसमें हम क्या करेंगे? ऑलवेज ये नेसेसरी नहीं है कि आपको x की वैल्यू रखनी है और y की वैल्यू निकालनी है, ऐसा भी नेसेसरी नहीं है। ना तो ये नेसेसरी है कि आपको x की वैल्यू 0, 1, 2, 3 रखनी है, ठीक, ना ये नेसेसरी है कि ऑलवेज x की वैल्यू ही पुट करनी है और y की निकालनी है। आप y की वैल्यू पुट करके किसकी वैल्यू निकाल सकते हो? x की वैल्यू भी निकाल सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, अब मुझे इक्वेशन में y इधर दिखा तो मैं किसकी वैल्यू पुट करूँगा? y की, पहले 0 पुट करूँगा, तो x इक्वल्स टू 4 इंटू 0, तो आंसर 0। फिर y की वैल्यू मैंने पुट कर दी 1, तो x इक्वल्स टू 4 इंटू 1, कितना आंसर आएगा? 4। फिर से और पुट करो क्योंकि 4 सॉल्यूशन निकालने हैं, तो इसलिए 4 वैल्यू रख रहे हैं हर बार हम। 4 इंटू 2 कितना? 8। इसी तरह से y की वैल्यू एक और पुट कर लो 3, तो 4 इंटू 3 कितना आ गया? 12। तो हमने ये देखा जो सॉल्यूशन हमें मिले हैं वो ये कि अगर y की वैल्यू 0 रखी जाती है तो x की वैल्यू 0 आती है। ठीक, फिर से y की वैल्यू कितनी रखी जाती है? 1, तो x का आंसर कितना आता है? और x ऑलवेज आगे लिखा जाता है, ये बात याद रखी जानी चाहिए। और फिर से y की वैल्यू 2 रखी जाती है तो x के आंसर कितना आता है? 8। इस तरह से है ना, फिर से y की वैल्यू 3 रखी जाती है तो x का आंसर कितना आता है? 12। ये वो 4 सॉल्यूशन है जो रिक्वायर्ड थे हमें। ठीक है, ये समझ आ गया कैसे करते हैं। अच्छा अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर है 3। चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू 4। एक्स माइनस टू वाई इक्वल्स टू 4 के इनमें से कौन से सॉल्यूशन हैं और कौन से नहीं हैं, ये हमें बताना है। तो पहला जो पार्ट इस पे गिवन है वो है 0, 2। सबका ध्यान बोर्ड पर रहेगा, देखिए 0, 2 ऐसे गिवन है
है ना। तो हमें क्या करना है, पहले ये x हो गया हमारा और ये क्या हो गया y, तो ये x की जगह 0 लिखा जाएगा और y की जगह 2 लिखा जाएगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन में रख लेते हैं, देखो इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, x की जगह 0, 2 इंटू y की जगह 2 और इक्वल्स टू में क्या चल रहा है, ठीक है। इसको सॉल्व किया तो माइनस 2 इंटू 2 माइनस 4 इक्वल्स टू, तो ये दोनों चीज़ें आपस में इक्वल नहीं हो सकती, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, दीज आर नॉट इक्वल, यहाँ पर नॉट इक्वल लिखेंगे तो फिर यहाँ पर भी नॉट इक्वल लिखेंगे, ठीक है। जहाँ से कैलकुलेशन शुरू करी थी वहीं से आ जाएंगे, है ना। अच्छा, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आए तो इसका मतलब ये इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, तो इसका आंसर में मैंने सिर्फ अभी नो लिख दिया, नो दिस इज नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद जो सेकेंड पार्ट है वो उसमें 2 और 0 लिखा हुआ है, देखिए ध्यान दीजिए, सेकेंड पार्ट 2 0, तो x की वैल्यू इस बार कितनी रखनी है 2 और y की वैल्यू कितनी रखनी है, इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, तो देखो x की वैल्यू 2 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू 0, ठीक है। हमने सॉल्व किया, दिस इज 0, तो क्या बचा 2 और इक्वल्स टू में क्या, तो हमने देखा फिर से इक्वल नहीं आया, जब इक्वल नहीं आया तो यहाँ भी क्रॉस कर दिया, यहाँ भी क्रॉस कर दिया, तो इसका आंसर क्या लिखेंगे, नो या यस, नो ये सॉल्यूशन नहीं है, समझ में आ रहा है। अच्छा, इसके बाद एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 4 0, देखिए थर्ड पार्ट देखिए इसका, 4 0, इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, ओके, अभी तक तो कोई सॉल्यूशन मिला नहीं है, इस बार देखते हैं क्या होता है, x की वैल्यू रखनी है 4 और y की वैल्यू 0, तो 2 इंटू 0 इक्वल्स टू 4, तो ये तो 0 हो गया, तो क्या बचा इक्वल्स टू, अब इक्वल आ गया, जैसे ही इक्वल आएगा तो यस इट इज अ सॉल्यूशन, ये एक सॉल्यूशन है जो गिवन लीनियर इक्वेशन है उसका, ये एक सॉल्यूशन है जी, समझ आया कैसे किया। अच्छा, अब इसके बाद एक और पार्ट हमारे पास है, उसको भी देख लेते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास रूट टू 4 root 2, फोर्थ पार्ट रूट टू एंड 4 root 2, ठीक है, ये है, और इक्वेशन हमारे पास क्या है, x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, इस तरह की इक्वेशन है हमारे पास, ठीक है। x की जगह हमें ये पुट करना है रूट टू और y की जगह क्या पुट करना है 4 root 2, ठीक है। तो x की जगह हमने लिखा रूट टू माइनस 2 इंटू y की जगह हमने लिखा क्या 4 root 2, ऐसा, ठीक है। अच्छा, अब रूट टू ऐसे ही ठीक है, माइनस 2 इंटू 4 कितना 8 root 2, ठीक है ना, ये ब्रैकेट आप लगाएं या फिर इनके बीच में मल्टीप्लाई का साइन लगा दें, तो 2 इंटू 4 कितना 8 और साथ में रूट टू चल ही रहा है इक्वल्स टू क्या 4। अब देखना प्यारे बच्चों ध्यान से, यहाँ रूट टू क्या कुछ नहीं लिखा है तो क्या लिखा है 1, तो 8 में से माइनस करना है 1, तो क्या बचेगा माइनस का, और इधर क्या चल रहा है रूट टू, तो हमने देखा ये दोनों क्वांटिटी आपस में इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर और यहाँ पर क्या कर दिया क्रॉस लगा दिया, है ना। तो इसका मतलब ये इसका ये जो गिवन इक्वेशन है इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, नो, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट हमारे पास क्या है, 1 1, देखिए ध्यान दीजिए 1 1, इसमें ये x है और ये y है और इक्वेशन है हमारे पास x माइनस 2y इक्वल्स टू 4, तो x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 1 माइनस 2 इंटू y की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 1, सॉल्व किया माइनस 2 और प्लस का 1 माइनस का 1, ये भी आपस में इक्वल नहीं आया, तो इसका आंसर भी क्या आएगा नो। तो हमारे पास हमने जितने भी 5 पार्ट किए हैं उनमें से एक पार्ट का आंसर यस आया है, ये 4 and 0, ठीक है, दिस इज द सॉल्यूशन, ओके। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। एक और आसान वाला क्वेश्चन इसमें गिवन है प्यारे बच्चों, वो है क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ एक्स इक्वल्स टू 2 एंड वाई इक्वल्स टू 1, और इक्वेशन आपको गिवन है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू k, ये इक्वेशन है, इसमें x की और y की वैल्यू हम पुट करेंगे और हमारे पास k का आंसर आ जाएगा, कैसे, देखिए ध्यान दीजिए, x की वैल्यू कितनी 2 प्लस 3 ऐसे ही ठीक है, y की वैल्यू कितनी 1 इक्वल्स टू k,
टू इंटू टू फोर, थ्री इंटू वन थ्री इक्वल्स टू के, के ऐसे ही ठीक है, थ्री और फोर ऐड किया कितना, तो के का आंसर आ गया सर, बिल्कुल आसान है। ठीक है, ये एक इक्वेशन गिवन थी, इस इक्वेशन में उसने कहा x की वैल्यू 2 और अगर y की वैल्यू 1 पुट की जाए तो बताइए k का आंसर कितना आएगा, तो x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 1 पुट कर दी, k का आंसर आ गया 7। समझ आया कैसे किया? ठीक। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना, चुनिए GS क्लासेस को और करें अपने बोर्ड एंड JEE का सपना साकार, डाउनलोड दी ऐप नाउ।